अब में से कुछ बंदों को लगा था कि मुझे भी बाकी यूट्यूबर्स की तरह फ्री फायर वालों ने खरीद लिया है, बट नहीं गाइस, मैं बस वेट कर रहा था कि मुझे और एक स्ट्राइक ना मिल जाए, क्योंकि मेरे मेन चैनल यानी कि हेक्सन प्रो गेमिंग जिसपे 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, उस पे वीडियो रिमूव होने के बाद मुझे डर लग ही रहा था कि ये वाले चैनल पे भी स्ट्राइक आ सकती है, बस इसीलिए मैं वेट कर रहा था। लेकिन खुशकिस्मती की वजह से कोई भी चीज नहीं होती हमारे साथ और हम बच जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने लास्ट में बोल दिया था कि कौन कौन सपोर्ट करता है कमेंट करके बताओ, तो आप लोगों ने पूरा कमेंट सेक्शन ही भर दिया कि हेक्सन भाई मैं आपके साथ हूँ, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो भाई ये चीज सुन के और देख के बहुत अच्छा लगा मेरे भाई। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम तीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला, रेटिंग गिराने से क्या हमारा फ्री फायर इंडिया आएगा, और सेकंड टॉपिक के बारे में मैं बात तो नहीं करना चाहता था लेकिन कहना जरूरी है क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया तो चुप क्यों बैठूं मैं, और सेकंड टॉपिक है क्या मुझे पीपी से निकालने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कोई मतलब है मेरा, और थर्ड टॉपिक क्या मेरी ऐसी वीडियोस बनाने से या आप लोगों के वन स्टार देने से हमारा फ्री फायर इंडिया लॉन्च हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा जो कि है हमारे मॉडरेटर के साथ। तो गाइस, पहला चैट आप देख सकते हो, फरवरी महीने के 17 तारीख को मैंने मैसेज किया था गिल्ड वॉर में कितने हैकर्स आते हैं और पूरा गेमिंग एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, लेकिन हमारे फ्री फायर के सो कॉल्ड मॉडरेटर ने मेरा रिप्लाई किया, नहीं भाई उसको तो भाई पैसे कमाने हैं, ये सब का रिप्लाई नहीं करना भाई, उसको इस चीजों से फर्क भी नहीं पड़ता, मुझे गारंटी लिख के ले लो गाइस। ये चीज को छोड़ो, और ये साफ साफ जो लोग बोल रहे थे ना कि भाई ये झूठ बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, देख लो भाई, मैंने खुद मैसेज किया था मॉडरेटर को कि मुझे पार्टनर प्रोग्राम में नहीं रहना, इधर बहुत सारी अनइक्वालिटी चीज हो रही है, बहुत सारे अलग अलग रीजंस थे, और जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, मेरा नाम प्रदीप है रियल वाला, तो गाइस इस पे मैंने अपना नाम रियल लिखा है। और हाँ गाइस, आप लोगों ने डेट तो सही से देख ही लिया होगा, मैंने फरवरी महीने में पार्टनर प्रोग्राम छोड़ा था, वो भी खुद की मर्जी से। और हाँ गाइस, कुछ बंदे बोल रहे थे आपको पैसा मिलना बंद हो गया इसलिए ये वीडियो बना रहे हो, ऐसा नहीं है भाई, मैं जब से पार्टनर प्रोग्राम पे था एक रुपए नहीं मिले थे, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को पैसे नहीं मिलते, लेकिन हम 2 साल पहले आए थे, तो जो गाइस 5 साल पहले आए थे उन्हीं को पैसे मिल रहे थे पार्टनर प्रोग्राम पे रहने का, लेकिन जब 2 साल बाद आए उन लोगों को, जब फ्री फायर बैन था उसके बाद आए उन लोगों को एक भी रुपए नहीं मिलता, और जो अभी के टाइम पे ज्वाइन कर रहे हैं ना पार्टनर प्रोग्राम, उनको एक भी रुपए नहीं मिलता, मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि गाइस इंडिया में हमारा जो फ्री फायर है वो है ही, जिसकी वजह से नया जो कॉन्ट्रैक्ट है जो गरीना के साथ बनता है वो अभी बन ही नहीं पा रहा, इसीलिए गाइस कोई भी सैलरी गरीना की तरफ से किसी को नहीं दी जा रही। बट हाँ गाइस, ये सिर्फ नए क्रिएटर्स के साथ है, लेकिन जो बहुत सालों से, मतलब 4-5 साल से बैठे हुए, जैसे उनके 20 मिलियन मान लो या फिर 15 मिलियन 10 मिलियन मान लो, उनको महीने के 7-8 लाख या 14 लाख तक मिल ही रहे हर महीने, तो भाई वो लोग क्यों ही गरीना के खिलाफ कुछ बोलेंगे, समझ जाओ। इस वीडियो से मैं किसी को हेट देना नहीं चाहता, जो क्रिएटर्स इस बारे में नहीं बोल रहे वो लोग क्यों ही बोले, अब उस गेम को खेलने का उनको पैसा मिल रहा है, अगर वो लोग कुछ बोलेंगे तो वो जो पैसा मिल रहा है उस पैसे को मिलना बंद हो जाएगा, तो वो क्यों ही बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। अगर मैं आप लोगों को 10 लाख रुपए महीने दूं तो क्या आप उस 10 लाख रुपए को छोड़ना चाहोगे, सच बताओ। इस बात को छोड़ो, फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्या गाइस हम रेटिंग गिरा के फ्री फायर इंडिया लॉन्च करवा पाएंगे, इसका सीधा सा आंसर है नहीं, क्योंकि गाइस आप लोग प्ले स्टोर पे जाके देख लो, आपका जो 1 स्टार का रेटिंग है उसको होल्ड पे रखा जा रहा है, और उसको छुपाने के लिए काफी ज्यादा 5 स्टार रेटिंग खरीदी जा रही है। इधर आ जाएंगे कुछ बच्चे जो बोलेंगे भाई ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, भाई जाके एक बार टेलीग्राम पे काफी अर्निंग के ग्रुप्स होते हैं, उधर जाके देख लो, आप लोग आराम से एक एक मतलब रिव्यू अगर सबमिट करोगे तो 20 से 40 रुपए आराम से मिल जाएंगे एक 5 स्टार रेटिंग देने का। आपको क्या लगता है गरीना इतनी गरीब कंपनी है जो 20-40 रुपए एक बंदे को ना दे पाए, भाई उनके पास इतना पैसा है ना आप लोग सोच भी नहीं सकते। गाइस मान के चलो इंडिया में 300 क्रिएटर्स तो है ही, अब 1-1 लाख सबको मिल रहे होंगे तो कितना 3 करोड़ भाई महीने के दे रहा है गरीना, वही गरीना क्या पेड रिव्यूज नहीं खरीद सकती, इतना गरीब मत समझो भाई, वो तो गाइस क्रिएटर्स को दे रहा है, बाकी जो सूट्स होते हैं, जो एनिमेशन वीडियोस बनते हैं, जो इवेंट्स आते हैं, जो मॉडरेटर्स को मिलता है, वो सारा पैसा कहाँ है, कहाँ से आ रहा है, आप लोगों के पास से ही आ रहा है। तो एक चीज मैं आप सभी को प्लीज कहना चाहूंगा, दिल से कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, प्लीज गेम में अभी टॉप अप बिल्कुल भी मत करो। मैं तो भाई मैं आप लोगों को लिटरली बोल रहा हूँ, 4 साल हो गए मैंने गेम में 1 रुपए नहीं लगाए, मेरे आईडी में जो ये 3 लाख डायमंड्स पड़े होते हैं, मेरे पास जो ये इवेंट्स आते हैं, जब मैं पार्टनर प्रोग्राम पे था महीने के मुझे 2,20,000 कुछ डायमंड्स मिलते थे हर महीने, 2 साल में मेरे पास 4 करोड़ डायमंड्स हो गए थे, और सभी का गाइस मैंने बैजेस खरीद लिया या फिर आप लोगों को लाइव स्ट्रीम पे गिव अवे कर दिया था, और मैं हर दिन आके गिव अवे करता था। आप लोगों को नहीं पता तो हेक्सन इस लाइव पे जाके देख लेना, कोई भी बोलना मत भाई ये झूठ बोल रहा है, देख लो गाइस फिर बोलना। और हाँ गाइस, मुझे नहीं लगता ये वीडियो भी ज्यादा देर यूट्यूब पे रहेगी, क्योंकि गरीना वाले ऐसे नीचपंथी करते रहते हैं, और इस वीडियो में मैंने कुछ ज्यादा ही चीजें दिखा दी है। तो यार अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि गरीना फ्री फायर इंडिया वापिस आए, गाइस वापस बोल दिया, अभी तक तो फ्री फायर इंडिया लॉन्च ही नहीं हुआ है, तो गाइस हो सके तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, जिससे जितने भी फ्री फायर के ऑडियंस है उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी पता चले कि गरीना आखिरकार किस हद तक जा सकती है। नाउ गाइस थर्ड टॉपिक पे आते हैं, क्या हमारा गेम लॉन्च होगा भी कभी, क्योंकि गाइस आप लोग एक चीज ध्यान से सोचो, जब हमारा गेम अनाउंस हुआ था कि फ्री फायर इंडिया आने वाला है
तब हमारे गेम में काफी सारी चीजें चेंजेस कर दिए गए थे, जैसे कि टाइम लिमिट, एज लिमिट और जो हमारा डैमेज था वो रेड डैमेज को बदल के येलो डैमेज कर दिया था, आप सभी को याद ही होगा। लेकिन जैसे ही हमारा फ्री फायर इंडिया लॉन्च नहीं होता है, कुछ दिनों के बाद मतलब एक महीने या डेढ़ महीने के बाद हमारे गेम से ये सारी चीजें हटा दी जाती है और हमारा गेम फिर से नॉर्मल जैसा हो जाता है, लेकिन हमारा जो रेड डैमेज है उसको थोड़ा रेड से हटा के ऑरेंज कर दिया जाता है। ये चीज सुन के आप लोग समझ ही गए होंगे गवर्नमेंट के साथ गरीना का कुछ ना कुछ तो लफड़ा हुआ है। शायद हमारे गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स बोल दिए थे जो हमारे गरीना फ्री फायर को अच्छी नहीं लगी, इसीलिए शायद उन्होंने फ्री फायर इंडिया को लॉन्च करने का प्लान था वो कैंसिल कर दिया और उसके सिवाय जो हमारा गेम चल रहा है फ्री फायर मैक्स उसी को कंटिन्यू करने का सोचा है और उसमें जो जो चेंजेस कर सकते हैं वो करके इसको रखने का प्लान सोचा है। गाइस इसमें जितना हो सके मैंने अपना पूरा जी जान लगा दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता गाइस हमारा फ्री फायर इंडिया कब आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता भाई। तो मेरे भाई आप लोग ही सोचो, जो गेम के बारे में कुछ फिक्स ही नहीं है उस गेम पे आप लोग टॉप अप करके अपने पैसे क्यों उड़ाओगे भाई। आज आप लोग ये फ्री फायर मैक्स को देख रहे हो लेकिन कुछ दिनों बाद अगर ये भी बैन हो जाता है तो आपने जितने भी पैसे लगाए सब कुछ जीरो हो जाएगा, आपके गेम के अंदर जितना भी कलेक्शन है सब कुछ गया भाई, क्योंकि गेम अगर बैन होगा तो इंडियन का जो सर्वर है उसको भी बैन कर दिया जाएगा और वो खत्म हो जाएगा, तो आपकी जो आईडी है वो भी। और फिर आप क्या करोगे भाई, किसको बताओगे कि भाई मेरे पास एंजेलिक मंडल है, मेरे पास ये M10 मैक्स है, आप मेरे पास ईवो गन सारे हैं, क्या करोगे भाई उस चीज का, इस गेम पे अभी भी आप क्यों पैसे लगा रहे हो, समझ जाओ मेरे भाई। अब तो नो टॉप अप करना चालू कर दो, मतलब टॉप अप मत ही करो, एकदम जीरो। अगर गाइस यही चीज से गरीना कुछ कर सकती है, अगर देखो आप जितना भी रेटिंग दे लो, आप जितना भी उनको इंस्टाग्राम में कमेंट कर लो, मतलब समझ जाओ एक साल से बंदे कमेंट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन गरीना ने अभी तक क्या किया है, कुछ किया? कोई भी बात का रिप्लाई भी किया? एक भी रिप्लाई अगर उनके मॉडरेटर से, मतलब फालतू के मैसेज का रिप्लाई वो लोग कर रहे हैं कि ये नूब है वो नूब है, अपने क्रिएटर्स के साथ फेक स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, लेकिन भाई एक कमेंट का रिप्लाई उन लोगों ने किया इंस्टाग्राम पे किसी का? अगर गरीना को आपकी रत्ती भर भी पड़ी होती तो भाई प्लीज वो लोग रिप्लाई कर देते, लेकिन आप समझ जाओ भाई उनको आपका घंटा भी पड़ा नहीं है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना पैसा मिल रहा है, वो लोग अपनी मस्ती मौज में है तो वो है। अब इसमें अगर मैं एक क्रिएटर होकर अगर कुछ बोलूंगा नहीं और इतना चुप रहूंगा तो भाई मेरे क्रिएटर होने का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि गाइस मुझे देख के आप में से काफी सारे बंदों ने गेम खेलना स्टार्ट किया होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मतलब कुछ ना कुछ 1-2% ने तो किया होगा। अब आगे बहुत सारे बंदों ने मेरे से गेम को देख के और ज्यादा खेलने कोशिश किया होगा या मुझसे इन्फ्लुएंस हुए होंगे, तो क्रिएटर होने के नाते मेरा ये बोलने का फर्ज था जो मैंने अदा किया। और दूसरे क्रिएटर्स का मुझे नहीं पता, वो लोग अपनी ऑडियंस का सोचते हैं नहीं सोचते वो सारी चीजें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने अपनी ऑडियंस का भला कर दिया, उन लोगों को एक अच्छे रास्ते पे चलना सिखा दिया। बस एक चीज याद रखना, नो टॉप अप मतलब करना ही मत टॉप अप गेम में जितना देर हमारा फ्री फायर इंडिया नहीं आ रहा, और प्लीज गाइस गेम को खेलना मत छोड़ो, गेम खेलो जब आपको फ्री टाइम मिलता है तभी खेलो, बाकी अपनी पढ़ाई छोड़ के गेम खेलना ये तो कहीं से भी सही नहीं लगता। तो अगर आपका ऐसा घर पे बोल रहे कि गेम खेलना छोड़ दो तो छोड़ दो, बाकी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है या फिर आपका कोई ऑफलाइन में दोस्त नहीं है तो आप गेम में आके खेल सकते हो, मौज कर सकते हो, बस इस गेम को सीरियसली मत लेना कुछ ज्यादा ही। सीरियसली लेने के बाद हाल क्या होता है वो आप लोग जो ई-स्पोर्ट्स खेलता है फ्री फायर का उसको पूछ लो भाई, वो लोग कितने साल मतलब 3 साल होने वाले हैं ई-स्पोर्ट्स का दर्शन भी नहीं किया है, मानो या ना मानो उनका दुख अलग लेवल पे है, उनका दुख भाई कोई नहीं समझ सकता, मैं भी नहीं समझ सकता गाइस, क्योंकि मैं भी अपना वीडियो बना के खुश हूँ, लेकिन वो लोग क्या करेंगे जिन्होंने ग्राइंडिंग मतलब इतना गेम खेल खेल के अपना हाथ सेट किया था, उन लोगों का तो सब कुछ गया है ना। कि हाँ गाइस मेरी तरफ से मैं जितना भी हो सके उतना कोशिश करूंगा कि मैं कुछ कर पाऊं, बाकी ऊपर वाले के ऊपर है। तो चलो गाइस आज की वीडियो इधर तक ही थी, जिन्होंने भी मुझे थोड़ा बहुत भी सपोर्ट किया दिल से लव यू और थैंक यू सो मच भाई।